Choose the correct option. The distance between the two houses is dash steep. 5, 6, 7, 8. The distance between the two houses is 7 steep. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. So correct answer is option C. Question number 2. What is the position of Rishi in the life? This is Rishi. 5th, 3rd, 4th, 2nd. Rishi is the line. देखिए दोनों तरफ से फोर्थ पोजीशन हो रहा है. 1, 2, 3, 4. यानी किसी भी तरफ से अगर हम काउंटिंग करते हैं तो फोर्थ नंबर पे ऋषि आ रहे हैं. तो ऋषि टेक्स फोर्थ प्लेस इन द लाइन. करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3. What is the length of garland? Garland की लेंथ कितनी है? यहाँ पर इसकी 2 सेंटीमीटर है तो यहाँ पर इसको हम प्लस करते हैं. 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8, 2, 10 and 2, 12. तो करेक्ट आंसर क्या हो गया? ऑप्शन डी 12. टोटल लेंथ ऑफ गार्डेंड 6 × 2 भी कर सकते हैं या फिर इस तरह भी हम 2, 2 करके प्लस कर सकते हैं. यह हमारा हो रहा है 1, 2, 3, 4, 5, 6. यहाँ पर 6 × 2 अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 12. या फिर 2, 2 को प्लस करके भी हम ऐड कर सकते हैं तो हो जाएगा 12 सेंटीमीटर. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4. हाय गाइस, आई एम नीतू निगम एंड वेलकम टू माय चैनल माय पाठशाला बाय नीतू निगम. आज हम देख रहे हैं क्लास फर्स्ट के साइंस के नेशनल साइंस टेस्ट एलिजिबिलिटी. साइंस का हम सिलेबस भी देखेंगे यहाँ पे क्लास फर्स्ट के और ये हम सैंपल पेपर देख रहे हैं. चलिए इसके सिलेबस देख लेते हैं. नेशनल साइंस टैलेंट सर्च एग्जामिनेशन क्लास फर्स्ट के लिए हमारा सिलेबस हो जाता है मैथमेटिक्स. साइंस पेपर में यहाँ पर मैथमेटिक्स से रिलेटेड क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं. मैथमेटिक्स में टॉपिक्स हो जाता है हमारा नंबर अप टू 100, ऑर्डिनल नंबर, एडिशन, सब्सट्रैक्शन, लेंथ, वेट, कैपेसिटी, टाइम, मनी, ज्योमेट्रिकल से. ये टॉपिक से इसमें क्वेश्चंस पूछे जाते हैं. एंड साइंस से हो जाते हैं लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स, प्लांट लाइफ, एनिमल लाइफ, ह्यूमन बॉडी, एयर, वाटर एंड वेदर. तो चलिए आगे फिर हम क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं. क्लास फर्स्ट में साइंस से किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं ये आपको एक रफ आइडिया मिल गया है. तो चलिए यहाँ पर देखते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है विच कंटेनर होल्ड मोर क्वांटिटी ऑफ वाटर. इसमें कौन से कंटेनर में सबसे ज्यादा वाटर होल्ड किया जाएगा. यहाँ पर अमंग ऑल ऑप्शन डी इज करेक्ट. यहाँ पर डी जो है सबसे बड़ा कंटेनर लग रहा है तो यहाँ पे ज्यादा वाटर होल्ड किया जाएगा. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5. चूज द नंबर दैट रिप्लेस द क्वेश्चन मार्क. यहाँ पे क्वेश्चन मार्क में क्या आएगा. देखिए यहाँ पे कितने हैं, माइनस करना है. यहाँ पर कितने बॉटल्स हो रहे हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 - 1 and 2. 7 में से 2 को हम माइनस करेंगे तो यहाँ पर 2 आप क्रॉस भी कर सकते हैं तो कितने बच गए, 1, 2, 3, 4, 5. सो करेक्ट आंसर हो गया यहाँ पर 5. करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी. 7 bottle - 2 bottle = 5 bottle. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ हम बढ़ते हैं. क्वेश्चन नंबर जनरल साइंस से भी स्टार्ट हो गए हैं ये हमारा. मैथमेटिक्स आपने देखा किस प्रकार का क्वेश्चन है. चलिए जनरल साइंस. इन विच सीजन आर दीज आइटम्स यूज. ये आइटम्स जो है कौन से सीजन में हम इसको यूज करते हैं. समर सीजन, रेनी सीजन, विंटर सीजन या बोथ ए एंड सी. यहाँ पर हम देख रहे हैं पहला है हमारा ये है रेनकोट, अम्ब्रेला
और ये हो जाता है गमबूट्स और वॉन्ट डूइंग रेनी सीजन। इन तीनों को हम यूज कब करते हैं? रेनी सीजन में। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी रेनी सीजन। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7। विच ऑफ दीज अर क्लिम्बर, इसमें कौन सा प्लांट है जो क्लिम्बर कहलाता है? तो चलिए इसमें हम देख लेते हैं। पहला हमारा मैंगो, सेकंड कोकोनट हो रहा है एंड थर्ड जो हमारा हो रहा है एंड फोर्थ आपका हो रहा है ग्रेप वाइन। ग्रेप वाइन इज अ क्लिम्बर्स। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ये जो है हमारा क्लिम्बर्स है। जबकि मैंगो कोकोनट एंड दिस इज का आप देख रहे हैं जड़ से पूरे लग रहे हैं और ये हम क्लिम्बर्स टाइप के चढ़ने वाले पौधे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, कंप्लीट द गिवन कोरिलेशन। इसमें क्या कोरिलेशन है? जैसे रोज सब्स कहलाता है उसी प्रकार मैंगोस क्या है? तो मैंगो ट्री। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, विच ऑप्शन डज नॉट मूव ऑन इट्स ओन। इसमें से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो अपने आप मूव नहीं कर सकता है? ये हमारा कैट, किट्स हो गए एंड बटरफ्लाई, ये तीनों अपने आप मूव हो जाते हैं जबकि काइट जो है अपने आप मूव नहीं होता है। सो करेक्ट आंसर हो जाएगा काइट। काइट इज नॉन लिविंग थिंग्स दैट डज नॉट मूव। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, विच ऑप्शन गिव अस हीट एंड लाइट। इसमें से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो हमें हीट एंड लाइट दोनों देते हैं? मून, सन, सैटेलाइट या प्लैनेट? तो करेक्ट आंसर हो गया यहाँ पर ऑप्शन बी सन। द सन गिव अस हीट एंड लाइट। आई होप आपको आइडिया हो गया होगा क्लास फर्स्ट के सिलेबस क्या है एंड इसका क्वेश्चन पैटर्न किस प्रकार का आता है। आज के लिए इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। इसी प्रकार के एजुकेशनल वीडियो के लिए आप हमारे साथ बने रहें। थैंक यू। और प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर।